मथुरा वृंदावन नगर निगम के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी लामबंद होकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मामला डी गेट हिंदुस्तान होटल के सामने का है, जहां निगम के एक कर्मचारी की हालत बिगड़ गई। जिस कर्मचारी की हालत बिगड़ी थी, वह 20 साल से नगर निगम में काम करता चला आ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि लाखों रुपए का घोटाला निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ निगम द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। वहीं जब निगम के अधिकारियों से इस विषय पर बात करनी चाहिए तो वह कैमरे से बचते हुए नजर आए। हाँ साहब, यही साहब, क्या मामला है? नहीं, ये काम क्यों कर रहा है? बताएंगे नहीं आप? कौन बताएगा फिर? अगर आप नहीं बताएंगे, आप ऐसे भागेंगे तो फिर क्यों नहीं बताएंगे आप? नहीं बताइए ना आप, मतलब आपके कर्मचारी यहाँ के हड़ताल पर हैं और आप बता नहीं रहे हैं, आप भाग रहे हैं। अच्छा, तो क्या समस्या है? समस्या है पेमेंट की। अच्छा, पेमेंट की समस्या है तो आपने हड़ताल की है? हड़ताल है तो फिर आगे? आगे क्या, कोई मांग पूरी नहीं हो रही है हमारी। अच्छा, और 11,000 पेमेंट था, 11 पे थे 6,500 पेमेंट दिया है। 1.5 साल से PF नहीं दिया है और ESI 1.5 साल से कट रहा है 400 रुपये जी। ESI नहीं मिला आज तक। समस्या आ रही है? समस्या ये है सर हमारी कि हमें ना तो वेतन टाइम पे मिल रहा है। हमारा 11,500 रुपये 2 महीने की सैलरी 11,500 के हिसाब से आई है SIPF कटने के बाद में। ठीक, अब हमें इस महीने बताया गया था कि आपका 1500 रुपये का जियो और बढ़ा दिया गया सैलरी में, और बढ़ा दिया गया 1,500 और 1500 13,000 रुपये आपकी तनख्वाह हो गई। हमें बहुत खुशी हुई सभी ड्राइवर भाइयों को। अब हमारी तनख्वाह ये, आज तारीख क्या है, 26, कल 25 तारीख में हमारे ड्राइवरों की पिछले महीने की सैलरी पड़ी थी, ये महीना पूरा हो गया।